आई हूँ साउथ के टॉप 10 साइको सीरियल किलर पर बेस्ड मूवीज, जिनमें सस्पेंस, मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल थ्रिल सब कुछ देखने को मिल जाएगी। इनमें से 8 मूवी हिंदी में ही है, लेकिन 2 मूवी आपको सबटाइटल के साथ देखनी होगी। ये मेरी पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या फिर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे काउंटडाउन के नंबर 10 पर आती है साल 2019 में रिलीज हुई 7.1 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज की मूवी गेम ओवर, जिसको हिंदी में भी सेम नाम से ही रिलीज की गई है। तो कहानी में स्वप्ना एक गेम डिजाइनर है जो अपने हाउसमेट के साथ अकेली रहती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक सीरियल किलर उसके घर में घुस जाता है। तो आखिर वो सीरियल किलर कौन है और उसे कौन सा ऐसा गेम खेलना होता है जिससे वो बच पाएगी, जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी की कुछ सीन्स काफी डरावना है और मूवी फुल ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है। काउंटडाउन के नंबर 9 पर आती है साल 2018 में रिलीज हुई 5.7 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ तमिल लैंग्वेज की मूवी अरुथराम। तो कहानी में एक शहर में हत्याओं की एक श्रृंखला होती है और इसे बड़े ही क्रूर तरीके से अंजाम दिया जाता है, जो पंचभूत का प्रतीक है। तो आखिर कौन है वो किलर जो इन सभी हत्याओं को अंजाम दे रहा था और पुलिस उसे पकड़ पाएगी कि नहीं, जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, तो आप इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। काउंटडाउन के नंबर 8 पर आती है साल 2007 में रिलीज हुई 7.3 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ तेलुगु लैंग्वेज की मूवी अनसुया, जिसको हिंदी में अपराधी कौन नाम से डब की गई है। तो मूवी में एक पत्रकार हत्याओं के एक श्रृंखला की जांच करती है और उसे पता चलता है कि ये सभी हत्याएं कोई सीरियल किलर कर रहा था। तो अब वो जर्नलिस्ट उसे पकड़ पाती है कि नहीं, और अगर पकड़ भी लेती है तो उसके बाद क्या ट्विस्ट और टर्न आता है, जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी अच्छी है और देखने लायक भी। काउंटडाउन के नंबर 7 पर आती है साल 2012 में रिलीज हुई 6.8 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी डांडुपालिया, जिसको हिंदी में भी सेम नाम से डब की गई है। तो मूवी में मेनली एक गैंग द्वारा की गई ब्रूटल सीरियल किलिंग और लूटमार को दिखाया गया है। तो आखिर वो गैंग ऐसा क्यों करता है और आगे उनके साथ क्या होता है, जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी अच्छी है जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। काउंटडाउन के नंबर 6 पर आती है साल 2017 में रिलीज हुई 6.1 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ तमिल लैंग्वेज की मूवी यानुम थियावर, जिसको हिंदी में ढूंढ की आंखें नाम से दर्ज की गई है। तो कहानी में एक न्यूली मैरिड कपल होते हैं जिसको एक सीरियल किलर अपना बंधक बना लेता है। अब वो किलर कौन है, क्यों उसने उन्हें बंधक बनाया है और क्या वो लोग इस सिचुएशन से बचकर कभी बाहर निकल पाएंगे कि नहीं, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में क्राइम थ्रिल सब कुछ है, साथ ही फुल एंगेजिंग भी है। काउंटडाउन के नंबर 5 पर आती है साल 2003 में रिलीज हुई 6.9 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ हिंदी लैंग्वेज की मूवी समय व्हेन टाइम स्ट्राइक्स। तो कहानी में एसीपी मालविका चौहान को अपनी सिटी में हो रहे वेरियस मर्डर से जुड़े एक सीरियल किलर को पकड़ना है, जहां वो मर्डर के बाद अपना एक साइन छोड़ जाता था। तो अब वो सीरियल किलर कौन है और क्या मालविका इस मिस्ट्रियस केस को सॉल्व कर पाएगी, जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में बेहतरीन सस्पेंस और थ्रिल दिखाया गया है जो आपको फुल एंगेज रखेगी। काउंटडाउन के नंबर 4 पर आती है साल 2016 में रिलीज हुई 7.4 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ मलयालम लैंग्वेज की मूवी उपम। तो बात करें मूवी के एकदम बेसिक प्लॉट के बारे में, तो कहानी में एक ब्लाइंड मैन होता है जो एक छोटी सी बच्ची को एक साइको सीरियल किलर से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो अब वो किलर कौन है, वो बच्ची को क्यों मारना चाहता है और वो ब्लाइंड मैन उसे कैसे बचाएगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी देखने लायक है बट हिंदी में डब नहीं है, आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखनी होगी जो यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। काउंटडाउन के नंबर 3 पर आती है आप सबके एक मोस्ट डिमांडेड वेब सीरीज, जी हाँ, साल 2020 में रिलीज हुई 8.4 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ असुर वेलकम टू द डार्क साइड। तो कहानी वाराणसी के एक रहस्यमय शहर की है, जहाँ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट निखिल नायर एक क्रूर सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसे कैसे पकड़ता है और वो सीरियल किलर कौन है, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। कहानी में मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल सब कुछ है जो आपको काफी पसंद आएगी। काउंटडाउन के नंबर 2 पर आती है साल 2021 यानी इसी साल रिलीज हुई 6 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ तेलुगु लैंग्वेज की मूवी पॉइंट ब्लैंक। तो मूवी में हम देखते हैं कि एक शहर में क्रूर और रहस्यमय हत्याएं हो रही हैं, जहां हर एक डेड बॉडी का आधा हिस्सा एक साथ रखा गया है और इस मिस्ट्रियस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी आदित्य को सौंपा गया है। तो अब आदित्य कैसे उसे पकड़ेगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बट मूवी काफी ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है जो आपको एंड तक बांध कर रखती है। बट ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखनी होगी।
तो फाइनली हमारे काउंटडाउन के नंबर 1 पर आती है साल 2019 में रिलीज हुई 8.1 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ तेलुगु लैंग्वेज की मूवी रक्षा सुरु। तो ये मूवी साल 2018 में आई तमिल मूवी रक्षासन का ऑफिशियल रीमेक है, जहां कहानी तो सेम ही है, साइको किलर पर बेस्ड है, बट एक्टर्स की परफॉर्मेंस में थोड़ा फर्क दिख सकता है। और अगर आप बेल्लम कोंदासाई श्रीनिवास का फैन है तो इस मूवी को मिस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।